बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकुड़ की। पाकुड़ जिले में मत्स्य पालकों को कम लागत में मछली पालन कर आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मत्स्य विभाग प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। सूचना भवन में ITC मिशन सुनहरा कल के तत्वाधान में मत्स्य पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में मत्स्य पालकों को कतला, रेहू, सिल्वर, गोल्डन सहित अन्य प्रकार की मछलियों का पालन करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि प्रशिक्षण में मत्स्य बीज उत्पादन, समेकित मत्स्य पालन के बारे में विस्तार से मत्स्य प्रसार पदाधिकारी सुशील हांसदा ने बताया। विभाग में जैसे मत्स्य बीज उत्पादन हो गया, मेन तो मत्स्य विभाग का मेन योजना वही है प्रमुख, बीज कैसे उत्पादन किया जाए। बीज उत्पादन बढ़िया से यदि होगा, मतलब हम लोग का जिला जो आत्मनिर्भर बढ़ेगा बीज उत्पादन में, तभी हम लोग मछली उत्पादन ये करते हैं। अभी प्राय हम लोग देखते हैं बाहर से, बंगाल से बहुत सारा बीज आता है, ठीक है, तो यहाँ भी बीज उत्पादन अच्छा से होगा तो बाहर से हम लोग को मंगाना पड़ेगा। विभाग में जैसे मत्स्य बीज